हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम है कमल सिंह, पीएसपी में आपका स्वागत है। पीएसपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अप टू 12th क्लास तक क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट कराई जाएंगी, इसके बाद आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बुक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन में आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या है? वैसे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे 9th-10th में जरूरत पड़ेगी और आप उसमें गलती ना करें, इसलिए मैं इसे स्टार्ट करा रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्लस या माइनस कर रहे हैं आप कभी भी तो साइन कौन सी वैल्यू का लगाएंगे आप? साइन जो है आपको ग्रेटर वैल्यू का लगाना है, यानी कि बड़ी संख्या का साइन लगाना है आपको। जो भी संख्या बड़ी होगी उसका साइन लगाना है आपको। दूसरी चीज, अगर दोनों डिजिट प्लस हैं और दोनों डिजिट माइनस की दे रखी है आपको, तो आप करेंगे क्या? आप प्लस करेंगे, यानी कि अगर साइन आपको सेम दे रखे हैं तो आप प्लस करेंगे। डिफरेंट साइन है मतलब एक प्लस एक माइनस, या फिर पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू प्लस, तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी कि आपको अगर साइन डिफरेंट दे रखे हैं, डिफरेंट साइन में आपको क्या करना है? सेम साइन में प्लस करना है, डिफरेंट साइन में आपको माइनस करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। आपने अगर -3 -4 किया, अब आपको देखना है दोनों साइन आपके सेम है, सेम साइन है, वैल्यू ऐड होगी, 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 7। साइन कौन सा लगाना है आपको? बड़ी संख्या का साइन लगाना है, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। 4 बड़ी संख्या है यहाँ पर, एक डिजिट माइनस का 3 है, एक प्लस का 4 है। डिफरेंट साइन है, आपको क्या करना है? माइनस करना है। 4 में से 3 जाएगा आपका, 1 बचेगा, बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा और प्लस का साइन हम लगाते नहीं। एक वैल्यू माइनस का 3 है और दूसरी वैल्यू माइनस का 7 है, दोनों वैल्यू माइनस की आ गई आपकी, सेम साइन है, प्लस हो जाएगा 11, बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा। एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 3 है, दोनों साइन सेम है, जैसे कि यहां पर साइन सेम है दोनों में, इसमें साइन सेम है, तो आपने इसमें क्या किया है? प्लस किया है, बड़ी संख्या का साइन आएगा। 4 प्लस का 3 माइनस का, डिफरेंट साइन है, माइनस करोगे 1 आएगा, बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे नहीं। तो आपको यहां से साइन पता चल गए और प्लस माइनस कैसे करना है वो भी पता चल गया आपको। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स की कैलकुलेशन, यानी जो आपके चर होते हैं ये। देखिए, जैसे आपको 3x² प्लस करना है 4x², 3x² प्लस x², x³ प्लस x³, इनको ऐड करने से पहले आपको सबसे पहले ये देख लेना है, जैसे 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2, आपको इसे ऐड करना है। ऐड जब तक नहीं होगा जब तक आपकी ये मेन वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी। ये जो आगे लिखे हुए हैं ये आपके कोफिशेंट हैं, गुणांक हैं, आपको गुणांक को प्लस करना होता है, लेकिन ये ऐड जब ही होगा जब आपकी यहाँ पर पावर, यानी कि ये मेन वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 4 होता तो ये ऐड हो जाता हमारा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं दोनों में मेन वैल्यू जो है आपकी क्या है? x² है, तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, मेन वैल्यू आपकी ऐसे ही आ जाएगी। कोफिशेंट को ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका? 7। और साइन क्या लगेगा? बड़ी संख्या का यानी प्लस का, यहां पर भी दोनों साइन सेम है, x² है, ऐसे ही आ जाएगा। इसका कोफिशेंट 3 है, इसका कोफिशेंट 1 है, कुछ नहीं है तो कोफिशेंट क्या है? 1 है। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4, बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा। अब यहां पर आपको देखना है मेन वैल्यू तो आपकी सेम है, x³ आ जाएगा, कोफिशेंट दोनों में कुछ नहीं है तो 1 और 1 है, कितना हो जाएगा? 2, बड़ी संख्या का साइन। नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं कुछ, माइनस का 3x की पावर 5 -4x की पावर 5, मेन वैल्यू आपकी सेम है तो x का 5 तो ऐसी आ जाएगी पावर। अब आपको देखना है दोनों साइन सेम है, सेम साइन होते हैं तो क्या करना है आपको? प्लस करना है। 3 और 4 कितना आ जाएगा? 7, और बड़ी डिजिट का साइन लगाएंगे यानी कि माइनस का साइन लगेगा इसमें।
आगे देखिए, अगर हम इस वैल्यू को माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स स्क्वायर करते हैं, अगर अब आपको देखना है डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा, टू में से वन को माइनस करेंगे क्या आएगा आपका वन, और वन को हम लिखेंगे नहीं बड़ी संख्या का साइन यानी प्लस का, वो भी नहीं लगाएंगे। माइनस का एट एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स क्यूब, दोनों साइन सेम हो गए आपके, तो एक्स क्यूब तो ऐसे ही आ जाएगा अगर ये वैल्यू सेम है आपकी, तो थ्री और एट कितना हो जाएगा आपका इलेवन, साइन लगेगा बड़ी संख्या यानी माइनस का साइन लगेगा आपका यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या आएगा आपका, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे एक्स क्यूब तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, फोर में से वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका थ्री, प्लस का साइन लगाएंगे बड़ी संख्या का। एक्स क्यूब एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब आपका ऐसे ही आ गया, इसका कोएफिशिएंट भी वन है, इसका कोएफिशिएंट भी वन है, वन में से वन माइनस करोगे जीरो आएगा, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी से करोगे जीरो आएगा, इसलिए आपका इसका आंसर क्या आएगा, सेम वैल्यू है, फाइव में से फाइव माइनस करेंगे जीरो, ये वैल्यू सेम है तो आपका आंसर आ गया जीरो। अब यहां पर देखना है आपको, दोनों साइन सेम है, प्लस होगा एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट भी वन, इसका कोएफिशिएंट भी वन, कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, बड़ी संख्या यानी दोनों संख्या सेम है, कोई भी साइन लगाएंगे आप माइनस का ही साइन आएगा। तो इस तरह से आपको वेरिएबल्स कैलकुलेट करने। नेक्स्ट देखते हैं, रूट्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। थ्री रूट टू प्लस फाइव रूट टू, माइनस का टू रूट थ्री माइनस का थ्री रूट थ्री, इसमें भी आपको यही वाला कंसेप्ट फॉलो करना है। अगर मेन वैल्यू सेम है, जैसे कि यहां पर रूट टू है और इधर भी आपका रूट टू है, तो ये ऐड हो जाएगा। अगर ये होता थ्री रूट थ्री प्लस फाइव रूट टू, रूट में वैल्यू जो है वो डिफरेंट है तो ये ऐड नहीं होगा, यही आंसर है आपका। कॉमन आएगा तो कॉमन ले सकते हैं सब। यहां पर मेन वैल्यू सेम है मतलब कि वो वैल्यू ऐसी आ जाएगी। ये एक तरह से होता क्या, हमने कुछ नहीं करा इसको, ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर था आपका, हमने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है। यहां से क्या बचेगा थ्री और यहां से फोर, थ्री प्लस फोर कितना हो गया आपका ये सेवन हो गया, सेवन एक्स स्क्वायर। तो इसी को मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया, आप कोफिशेंट ऐड कर दो और माइनस कर दो, बस साइन देखकर, अगर सेम साइन होंगे प्लस, डिफरेंट होंगे माइनस। तो यहां पर ध्यान रखना, रूट टू तो ऐसे ही आ जाएगा आपका, थ्री और फाइव कितना हो जाएगा आपका एट, बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाना नहीं है आपको, दोनों साइन सेम है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा, ये वैल्यू देखनी है, मेन वैल्यू आपकी सेम है, रूट थ्री ऐसे ही आ जाएगा, थ्री और टू कितना हो जाएगा आपका फाइव, बड़ी संख्या का साइन माइनस, माइनस का रूट टू माइनस का रूट टू, आपको पता है दोनों साइन सेम है, ऐड होगा, इसका कोएफिशिएंट भी वन है, इसका कोएफिशिएंट भी वन है, वन और वन कितना हो जाएगा आपका टू, बड़ी संख्या का साइन, कोई सी भी डिजिट का लगाओगे माइनस ही आएगा। माइनस फाइव रूट टू माइनस टू रूट टू, दोनों साइन नेगेटिव है आपके, ऐड होगा, रूट की वैल्यू आपकी ऐसे ही आ जाएगी, फाइव और टू कितना आ जाएगा आपका सेवन आ जाएगा आपका, बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस का एट रूट फाइव प्लस का एट रूट फाइव, अभी मैंने आपको बताया था प्लस माइनस दे रखा है, माइनस होगा, और जब वैल्यू बिल्कुल ही सेम है तो क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी, आपका आंसर जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रूट थ्री प्लस रूट थ्री क्या होगा आपका, मेन वैल्यू सेम है, आप रूट थ्री को ऐसे ही लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट भी वन है, इसका कोएफिशिएंट भी वन है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका टू हो जाएगा। अगर ये आपका आ जाए रूट थ्री एक्स स्क्वायर, फाइव रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर, अब भी आपको देखना है ये मेन वैल्यू जो है आपकी सेम आ रही है तो ये ऐड हो जाएगा, रूट थ्री एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसे ही आ गया, टू और फाइव कितना आ जाएगा आपका सेवन आ जाएगा, और साइन जो है आपका प्लस का लगेगा। फाइव रूट टू प्लस थ्री रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री, अब आपको देखना है इसमें वैल्यू सेम है और इसमें वैल्यू सेम नहीं है, तो इन दोनों को तो सॉल्व कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते, तो आपको क्या है
कि अगर वैल्यू सेम होगी तभी आप कर सकते हो। तो सपोज करो ये वैल्यू 3 दे रखी है अगर आपको, तब भी आपको यही करना है, ये रूट टू तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। अगर एक स्टेप में इसको सॉल्व करना चाह रहे हो आप, रूट टू ऐसे ही आ जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 में से आप 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 6√2 आएगा। तो इस तरह से हम रूट्स की कैलकुलेशन करेंगे। अगर इसमें वेरिएबल्स भी आ जाते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, √2 x^5 +2√2 x^5। आपको ये देखना है मेन वैल्यू अगर हमारी सेम है तो √2 x^5, कोफिशेंट यहाँ 1 है, वो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा ये आपका। तो इस तरह से हम ये वेरिएबल्स को कैलकुलेट करेंगे। आपको बस ध्यान ये रखना है कि साइन जो है प्लस माइनस करते टाइम बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है। सेम साइन होंगे तो प्लस करोगे आप, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करोगे। ये हमारे वेरिएबल कंप्लीट हो गए और ये हमारे रूट्स कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं फ्रैक्शंस। आइए थर्ड टॉपिक देखते हैं इसका, फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि भिन्न और मिश्रित भिन्न। इसमें क्या करना है आपको, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, भिन्न और मिश्रित भिन्न। एग्जाम्पल लेते हैं, 1/5 +3/10। आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 50 आएगा आपका। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, देखो क्या करना होता है, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करके लिखनी है आपको, क्रॉस में ऐसी मल्टीप्लाई करनी है। फिर आपको 10 वन जा 10 आएगा, बीच में साइन आपका प्लस का है, 5 3 जा 15 हो गया आपका, आंसर आया आपका 25/50। 25 से कट कर दिया आपने, 1/2 आंसर आ गया आपका। तो आपको क्वेश्चन अब इस तरह से नहीं करना है, एलसीएम लेकर करना है आपको, 1/5 +3/10। आप एलसीएम लोगे 5 और 10 का, 5 से कट करोगे 5 वन जा 5 टू जा, 2 से कट करोगे 2 वन जा 5 टू जा 10 आ गया आपका। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो वैल्यू है उससे डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करना है। आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। तो एलसीएम आपने लिया 10 आया, 5 से डिवाइड करो 5 टू जा 10, जब 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 टू जा 10 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो 2 वन जा 2, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 वन जा 10 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो कितना आया 3, ये आपका 5/10 आ गया, 5 वन जा 5 टू जा, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेके ही करनी है आपको क्वेश्चंस को। तो इस तरह से आपको करने हैं ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। अब इसमें एक और एग्जांपल देखो, मिक्स फ्रैक्शन का, 5n1/2 -3n1/5। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इधर तो मल्टीप्लाई करनी है आपको, ऊपर प्लस कर देना है, 2 5 जा 10 +1 11 अपॉन में 2, माइनस का साइन है, 5 3 जा 15 +1 16 अपॉन में 5। एलसीएम लेंगे इसका 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 55, 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, 2 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे 32 आएगा, माइनस कर देंगे 5 में से 2 जाएगा आपका 3 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, अपॉन में 10 आ गया आपका। तो ये आपका आंसर निकल गया। और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, प्लस माइनस में वैल्यू लेकर देखते हैं, माइनस का 5/3 -3/5। एलसीएम लेंगे आप, 15 आएगा आपका, 3 से डिवाइड करो 3 5 जा 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे कितना हो जाएगा 25, माइनस का आएगा, माइनस का साइन, 5 से डिवाइड करोगे 5 3 जा 3 टाइम में आ रहा है, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9 आ जाएगा आपका, ऐड करोगे आप क्योंकि दोनों साइन सेम है और बड़ी संख्या का साइन लगेगा, अपॉन में 15 आ गया आपका। नेक्स्ट देखो, माइनस का 3/2 +5/2।
आपने एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 2 और 2 का एलसीएम, 2 से 2 को डिवाइड करा क्या आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो माइनस का 3, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे प्लस का 5, दोनों साइन डिफरेंट हैं तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, बड़ी संख्या का साइन आएगा, 2 से 2 को डिवाइड कर दोगे आपका आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शंस के क्वेश्चन करने हैं और मिक्स फ्रैक्शन के। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका, डेसिमल। दशमलव, डेसिमल में अगर आपको 1 में से माइनस करना है 0.25 और 1 में प्लस करना है अगर आपको 0.25, ये 10th क्लास प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे आपको। कैसे माइनस करेंगे, जैसे ये 1 दे रखा है इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट 0.00 लगा लिया, दो डिजिट है तो 2, 3 है तो 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले की वैल्यू क्या है 0 है, पॉइंट से बाद की वैल्यू क्या है 25 है, माइनस करेंगे ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ये आपका कितना आ गया 0.75। वैल्यू बड़ी कौन सी है, ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट वाली वैल्यू है। इसमें इसको प्लस करेंगे तब भी ऐसे ही करेंगे, इनको प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.25 आ जाएगा आपका, माइनस का 0.8 प्लस करना है आपको 0.91। अब ये प्लस माइनस हमारा माइनस होगा, आपको सबसे पहले ही ध्यान रखना है बड़ी वैल्यू में से ही छोटी को माइनस करेंगे आप। अगर मैंने आपको बोला माइनस का 3 प्लस का 4 है, माइनस होगा तो आप 4 में से ही 3 को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या का साइन, 3 में से 4 को माइनस थोड़ी कर सकते हैं। तो पहले तो आपको बड़ी संख्या पता लगानी होगी, पॉइंट के बाद आपने देखा यहां पर 8 है, इसमें 9 है, तो ये डिजिट आपकी बड़ी है 0.91, 0.8 यहां पर वैल्यू नहीं है तो यहां पर 0 ले लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 0.11 आपका आंसर आ गया, बड़ी संख्या का साइन यानी कि प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 0.002 है प्लस 0.3, अगर आपको ये ऐड करना है तो आप क्या करेंगे 0.002 लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले की वैल्यू और ये बाद में क्या है आपने 3 है, डिजिट जहां पर नहीं है वहां आप 0 लगाएंगे, दोनों को ऐड करना है, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 3 आ गया, ये पॉइंट और ये 0, तो आपका आंसर आ गया 0.302। एक और एग्जांपल देखो इसमें, 0.25 है, माइनस का 0.75 है, आपको इसे ऐड करना है, दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस होगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा 1, पॉइंट लगेगा दो डिजिट के बाद। अब आपने देखा 1.00 है, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो आप क्या लिखेंगे इसका एग्जैक्ट आंसर, एक आंसर आया इसका। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम आपको CBSE से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स देते रहेंगे एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शॉर्ट ट्रिक्स भी कराई जाती हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।